कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बाद डलहौजी पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक करने में जुट गया है। इसी कड़ी में आज गांधी चौक में सिटी चौकी प्रभारी संतराम की अध्यक्षता में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में व्यापार मंडल सहित टैक्सी चालकों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। चौकी प्रभारी ने कारोबारियों को जागरूक करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अपनी ओर से सजग रहें, सभी मास्क पहनें, दुकानों के बाहर अनावश्यक ज्यादा भीड़ जमा ना होने दें और ग्राहकों को भी जागरूक करें। वहीं प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि की पालना करते हुए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलें और बंद करें। उन्होंने कहा कि रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है, इसका सख्ती से पालन करें। अच्छा, मैंने आपको इसलिए बुलाया सर को, हाँ वैसे तो हम रोज़ मिलते रहते हैं, करते रहते हैं ना, सुबह काम करते होते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, मिलते रहते हैं। तो मेरा बुलाने का आपको ये चित्र है कि जैसे कल से गाइडलाइन जारी की है सरकार ने, उसमें एक तो ये है कि मार्केट के बारे में है, मार्केट जो है सुबह 9 बजे खुलेगी और 7 बजे बंद हो जाएगी, तो काइंडली सारे गाइडलाइन का पालन करें। और दूसरा, अपने अपनी दुकानों पर जो है नो मास्क नो सर्विस का बोर्ड लगा के रखें। कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे उसके बिना उसके आता है ना, अरे सर आ जाओ जी, यहाँ पर व्यापार मंडल के बाकी सेकंड भी आए हैं। जैसे मैंने बताया सबको कि मेरा आपको बुलाने का मेन चीज़ का ये है कि जैसे कल से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कोरोना के बारे में, COVID-19 के बारे में, एक तो मार्केट का है, मार्केट जो है 9 बजे खुलेगी सुबह और शाम को 7 बजे बंद होगी, सबको पता है मेरे हिसाब से, है ना जी। और दूसरा मेन जो है मास्क का रखना है, नो मास्क नो सर्विस, हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए। जो भी आदमी आता है आपकी दुकान पे बिना मास्क के, उसको बोला भाई कुछ मान लीजिए दुकान में मास्क करो, चाहे खुद भी अपने दुकान पे रखो, उसको मास्क बनाओ, है ना जी। अपने अपने मास्क रखो, आपका काम भी चलेगा, 4 पैसे भी बनेंगे, और मास्क बनाओ पहले, उसको फिर सामान दो उसको, अगर वो नहीं पहना किसी ने तो वो लेने को मजबूर हो जाएगा आपसे, अगर आप सामान नहीं देंगे तो। और बाकी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का मेन रखें पालन, उसका पालन करें, और खुद भी मास्क पहन के रखें। जैसे हमें ये दिक्कत आती है कि हम कभी भी जहाँ जब चलान करने लगते हैं मार्केट में, जैसे बाहर से लोग आते हैं तो बाहर जब वो देखते हैं बोलते हैं वो देखो अपने बिना मास्क के हैं। तो मेरे हिसाब से यही निवेदन रहेगा कि काइंडली आप सारे ना मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि देख लो कल हमारे 3 भाई जो पॉजिटिव आए हैं ना, सोचा था किसने के पॉजिटिव आएंगे, वो तो कोई पॉजिटिव हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, तो मास्क पहनेंगे तो हर दूसरे का विचार कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं। तो मेरा साथ यही आग्रह है कि काइंडली आप मास्क पहने, बाकी और सर ये डिस्कस क्या है, इनके ऑर्डर क्या बात है, और किस चीज़ के बारे में सर, ये मार्केट के बारे में, मार्केट की हमारा ऐसा ना जी, हमारा लॉजिक जितनी भी व्यापार मंडल जितनी भी है ना जी सर, सारे एक्चुअली हमें जो टूरिस्ट हमारे पास आता नहीं है जी, शुभ परेशानी है जी, क्योंकि संडे सैटरडे संडे के संडे को छोड़ के बाकी और कोई दिन भी हमें एक दिन जब छुट्टी करनी, कोई ट्यूजडे कर लें या वेडनेसडे कर लें, नहीं छुट्टी का ऐसा है ना जी, जैसे उसमें गाइडलाइन में दिया हुआ है कि छुट्टी आप जो है अपने व्यापार मंडल के हिसाब से, जैसे आपको उचित लगता है एक दिन हम रखेंगे, बुधवार रख लेते हैं, मंगलवार, छुट्टी की कोई आप इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप फलां दिन छुट्टी करें या फलां तारीख को करें, वो आपने व्यापार मंडल में आप मीटिंग करके एक दिन छुट्टी डिसाइड कर लें अपने साथ, जैसे हम वेडनेसडे डिसाइड करेंगे, कोई वो नहीं रहना है, ये हम सब जी साहब आपके बाद उसे तय हुए तो जी साहब से ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि लॉजी एसोसिएशन व्यापार मंडल जो है वो ये है कि उनका फुली इनके डिपेंडेंट ऑन टूरिस्ट है सर, मैं उसके लिए आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो व्यापार मंडल एसडीएम साहब से मिलो, और एसडीएम साहब से मिलकर ज्ञापन भेजो ODSP साहब को, अपना डी साहब को, फिर वहां से जो भी डायरेक्शन आती है उनको फॉलो करें, ठीक है ना जी। बाकी हम आपको कोऑपरेट करते हैं सर, आप भी हमें कोऑपरेट करें, एक दूसरे से मिलके ही हमारा बात बनेगी। बाकी सर ऐसा है मेरे को 2 महीने हो गए, वो आपने देखा है कि मैं कितना कितना करने वाला हूँ किसी को, ठीक है, मैं सबसे मिलके चलने वाला था, मैं सबसे सबके साथ मिलके चलने वाला आदमी हूँ, और मुझे भी कोऑपरेट करें प्लीज, बिल्कुल सर। ना जी, मुझे ऐसा ना कोई दिखता है कि जैसे कोई 8 बजे दुकान खोल के बैठ गया, कोई दूसरा कंप्लेंट कर रहा है, नहीं साहब को शिकायत कर रहा है की तरफ से, जैसे हमारे सारे बंदे कोऑपरेट करके चलने वाले हैं, एक दूसरे मिलके चलेंगे। बाकी दुकानों का 7 बजे का है, 2-4 मिनट तो 5-7 मिनट ऑफ नहीं चलता, तो उससे बेहतर है कि मास्क लगा लें, सैनिटाइजर और मास्क का जो है इस्तेमाल करें, ठीक है जी। आप निश्चिंत रहिए सर, हमारी तरफ से पूरी आपको कोऑपरेशन मिलेगी जी, कोई आपको कंप्लेन नहीं आएगी। बाकी हमारी तरफ से जो भी आपको जरूरत हो हमें बोलो, आप हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है जी, हमें यही चाहिए। हाँ जी, हम आपके साथ खड़े हैं, जब भी जहाँ भी जिससे बात करनी है मैं बात करूँगा, अगर डी साहब से करनी पड़ेगी, एसडीएम साहब से करनी पड़ेगी, मैं बात करूँगा सर आपके लिए, और पर काइंडली जो है जैसे गाइडलाइन उनका फॉलो करें, उनको फॉलो करें, ठीक है जी। डलहौजी से दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुलदीप भारद्वाज की रिपोर्ट।